दोस्तों यह है 2024 मारुति सुजुकी अर्टिगा का एलएक्सआई बेस मॉडल। आज हम बात करेंगे इस गाड़ी की क्या प्राइस है, क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या सेफ्टी मिलती है, ये गाड़ी पेट्रोल और सीएनजी में कितने केएमपीएल का माइलेज देती है और आप कम से कम कितना डाउन पेमेंट करके इस गाड़ी को ख़रीद सकते हैं, ए टू जेड सब कुछ देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। सबसे पहले हम इस गाड़ी का पूरा सामने का डिज़ाइन देख लेते हैं। यहाँ पे 1735 मिलीमीटर गाड़ी की चौड़ाई है, अच्छी काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है। बीच में बड़े साइज का लोगो मिल जाता है क्रोम पे और यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर की ग्रिल दी गई है। पूरा सामने का डिज़ाइन देखेंगे तो बहुत तगड़ा डिज़ाइन है। हेडलैम्प यूनिट का पूरा डिज़ाइन देख लीजिए, यहाँ पे लो बीम के लिए प्रोजेक्टर और हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन बल्ब का यूज किया गया है। नीचे थोड़ा सा क्रोम का यूज भी किया है। पूरा हेडलैम्प यूनिट देखेंगे तो बहुत ही शानदार डिज़ाइन है। आपको VXI मॉडल में क्रोम का यूज भी मिल जाता है, LXI मॉडल में क्रोम का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे कोई भी फॉग लाइट नहीं मिलती लेकिन जगह दी गई है, अगर आप चाहते हैं तो शोरूम या आफ्टर मार्केट कहीं से भी लगवा सकते हैं। सामने का बम्पर भी देखेंगे तो बॉडी कलर में ही है। पूरा बोनट एरिया देख लीजिए, दो वाइपर और दो वॉफर मिल जाते हैं। गाड़ी की छत देखेंगे तो पूरी तरह से प्लेन है, सामने आपको एंटीना मिल जाता है। अब चलिए एक बार गाड़ी का पूरा साइड प्रोफाइल देख लेते हैं। ये सबसे शानदार 7 सीटर गाड़ी है, अच्छी खासी लंबाई चौड़ाई है इस गाड़ी की, 4395 मिलीमीटर गाड़ी की लंबाई है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे फ्रिज लगी हुई है जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलेगा कि ये बेस मॉडल है, पूरी तरह से ये VXI मॉडल बन जाता है। जैसे यहाँ पे पूरा डिज़ाइन देख लीजिए, क्रीज लाइन देख लीजिए। टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे 15 इंच के टायर मिल जाते हैं स्टील रिम के साथ। आगे वाले दोनों टायर में डिस्क ब्रेक हैं, पीछे ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, ABF और EBD के साथ आते हैं। तमाम सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं इस गाड़ी में। बस एक चीज़ आपको यहाँ पे देखेंगे तो सस्पेंशन भी अच्छे लेवल का मिल जाता है। फेंडर पे टर्न इंडिकेटर मिलते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये बेस मॉडल है। क्रीज लाइन गाड़ी के बीचों बीच जाती हुई दिखेगी। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे इसे फ्रीज में ये ORVM लगा हुआ है, इसी में आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश में। बॉडी कलर में आपको ORVM नहीं मिलता है LXI मॉडल में, पूरी तरह से मैट ब्लैक कलर में मिलता है, लेकिन ऐसे फ्रीज में ये चीज़ें आपको लगा दी गई हैं। पूरा विंडो एरिया देख लीजिए, ऊपर देखेंगे तो ये रेन वाइजर लगा हुआ है, क्रोम लगा हुआ है, ब्लैक कलर में डोर हैंडल मिलते हैं। नीचे भी देखेंगे तो मोल्डिंग लगी हुई है, कहीं से भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये बेस मॉडल है, सिर्फ आपको फेंडर पे टर्न इंडिकेटर दिखता है, बाकी आप कहीं से पता नहीं लगा सकते। पीछे वाले दोनों टायर में ड्रम ब्रेक हैं, आगे तो डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, 3 बड़े साइज के ग्लास मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर एरिया भी अच्छा मिल जाता है। अब चलिए एक बार पीछे का पूरा डिज़ाइन देख लेते हैं। यहाँ पे वर्टिकल शेप में पूरा टेल लैंप यूनिट दिया है, ये LED का यूज किया गया है। यहीं पे इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग लैंप और ब्रेक लाइट मिल जाता है। बीच में लोगो दिया है बड़े साइज का, ये क्रोम पे 3D डिज़ाइन पे है। यहाँ पे पूरी तरह से प्लेन है, VXI में क्रोम का यूज मिलेगा। पूरा ग्लास एरिया देख लीजिए पीछे का, हाई स्टॉप माउंटेन लैंप मिल जाता है, 4 रिवर्स पार्किंग अल्ट्रासोनिक सेंसर मिलते हैं और ये गाड़ी स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आती है तो माइलेज भी अच्छा मिल जाता है इस गाड़ी में। पीछे कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह नहीं मिलता, सिर्फ आपको 4 अल्ट्रासोनिक सेंसर मिल जाते हैं, दोनों साइड रिफ्लेक्टर दिए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो गाड़ी की छत पूरी तरह से प्लेन है, कुछ भी नहीं मिलता और अर्टिगा के टॉप मॉडल में भी आपको सनरूफ वगैरह नहीं मिलती है। बूट ओपन करने के लिए यहीं पे आपको बटन मिल जाता है जिसको प्रेस करके आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। ऊपर अच्छी तरह से कवर किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 7 सीटर गाड़ी है, फिर भी आपको ठीक ठाक साइज का बूट स्पेस भी मिल जाता है, 209 लीटर का। यहाँ पे कुछ एसेसरीज के बॉक्स भी रखे हुए हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे कितना सामान रख सकते हैं। साइड में टूल किट रखी हुई है। सीट को आप पूरी तरह से 50-50% के रेशियो में फोल्ड कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ज़्यादा सामान रखना है तो आप सीट को फोल्ड कर दीजिए और एक्स्ट्रा कम्फर्ट के लिए आप इसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे बस एक चीज़ है, स्पेयर व्हील नीचे लगा हुआ है, यहाँ पे आपको अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। अब चलिए एक बार ड्राइवर साइड का डोर ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप पूरी डोर की ओपनिंग देखेंगे तो बहुत बढ़िया है, गाड़ी के अंदर बैठने उतरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरा डोर ट्रिम देखेंगे तो बेज कलर का यूज किया गया है, सभी चीज़ें आपको लाइट कलर में ही देखने के लिए मिलती हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो पूरा ही हार्ड प्लास्टिक है, नीचे ब्राउन कलर का यूज किया गया है। ओपनर मिल जाता है बेज कलर में, चारों पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं लॉक और अनलॉक करने के लिए। ORVM को हाथ से फोल्ड और एडजस्ट करना पड़ेगा और पूरा ही हार्ड प्लास्टिक है, कोई भी सॉफ्ट टच नहीं है। यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं, थोड़ा सा सामान और भी रख सकते हैं और स्पीकर के लिए जगह मिल जाती है। बेस मॉडल में कोई भी स्पीकर वगैरह नहीं मिलते लेकिन अगर आप चाहते हैं तो शोरूम से लगवा सकते हैं।
सभी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पूरी तरह से सीट देखेंगे तो लाइट कलर में है, अच्छी खासी चौड़ी सीट है, पूरी तरह से आपको अच्छा कंफर्ट मिलेगा। यहाँ पे कितनी भी दूरी ड्राइव करेंगे थकावट महसूस नहीं होगी। सीट को आप रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट को एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया है, और नीचे से सीट को आगे और पीछे कर सकते हैं। एक फ्रेम में आप पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन देख लीजिए, यहाँ पे ड्यूअल कलर का यूज है। एसी विंडो देखेंगे तो ब्लैक कलर में मिल जाते हैं, नीचे यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन टाइप का कलर है, जिस टाइप से आपको डोर पे मिलता है उसी टाइप से। नीचे आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन, अलार्म, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलैम्प के लेवल को सेट करने के लिए। नीचे ABC पैडल मिल जाते हैं और साइड में डिट पैडल के लिए भी जगह दी गई है, यहाँ से आप इसका बोनट ओपन कर सकते हैं। और नीचे देखेंगे तो फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए दिया है। स्टेयरिंग व्हील का पूरा डिज़ाइन देख लीजिए, फ्लैट बॉटम वाला है, ये कवर लगा हुआ है, ऐसे फ्रीज का पार्ट है, बीच में लोगो मिल जाता है, सराउंडिंग में पूरा क्रोम का यूज किया है। नीचे एयरबैग और हॉर्न मिल जाते हैं, कोई भी म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल नहीं मिलते बेस मॉडल में। और सामने देखेंगे तो सेमी डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है, लेफ्ट साइड में टैकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर है, बीच में डिजिटल MID मिल जाती है, इसमें आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाइपर का कंट्रोल मिल जाता है और राइट साइड में हेडलैम्प और इंडिकेटर का कंट्रोल दिया है। स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करें तो इसको आप सिर्फ टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं कर सकते, सिर्फ टिल्ट ही कर सकते हैं इसको। उसके बाद आपकी नज़र जाएगी इसके पूरे सेंटर कंसोल पे। यहाँ पे देखेंगे तो म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो फोरूम से लगवा लीजिए। नीचे हजार्ड लाइट है, पूरी तरह से मैनुअल AC मिल जाता है, कूलिंग बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेस मॉडल में आपको सिर्फ आगे ही AC मिलता है, पीछे नहीं मिलता। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट दिया है, USB का सपोर्ट नहीं मिलता, कप होल्डर मिल जाता है कूलिंग फीचर के साथ, ये बहुत अच्छी बात है। 5 गियर वाली ये गाड़ी है, 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, हैंड ब्रेक मिल जाता है, पीछे भी आप मोबाइल रख सकते हैं, कोई आर्म रेस्ट वगैरह नहीं मिलता। ऊपर ये फिक्स वाला IRVM मिलता है, डे नाइट वाला दे देना चाहिए था। कैबिन लाइट है, यहाँ पे देखेंगे तो टिकट होल्डर मिल जाता है ड्राइवर साइड, और को ड्राइवर साइड देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ प्लेन सनवाइजर मिलता है, ये फोल्डेबल ग्रैब हैंडल दिए हैं। पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखेंगे तो ब्लैक और लाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, चीज़ें देखने में बहुत बढ़िया लगती हैं। फिट एंड फिनिश क्वालिटी भी देखेंगे तो अच्छे लेवल की है, यहाँ पे ये AC विंड मिल जाते हैं। इस गाड़ी की कूलिंग बहुत बढ़िया है, उसमें आप कोई शिकायत नहीं कर सकते, बस एक चीज़ है कि पीछे नहीं मिलता, सिर्फ आपको सामने ही AC मिलता है। यहाँ पे पूरा ब्राउन कलर है, नीचे बड़े साइज का ग्लव बॉक्स मिल जाता है, इसमें भी आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं, छोटे मोटे सामान आराम से आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए एक बार पैसेंजर साइड का डोर ओपन करके देख लेते हैं और पीछे बैठ के भी देख लेते हैं कितना स्पेस मिलने वाला है, किस टाइप से पूरा स्पेस मिलेगा। यहाँ पे 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, ये गाड़ी पेट्रोल और CNG दोनों ही फ्यूल ऑप्शन के साथ मिल जाती है। पीछे वाला डोर ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे भी पूरा बेज कलर का ही कॉम्बिनेशन है, कोई दूसरा कलर देखने के लिए नहीं मिलेगा। सीट देखेंगे तो बहुत बढ़िया सीट मिल जाती हैं, सभी एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, पूरी तरह से फैब्रिक में सीट है, कम्फर्ट बहुत शानदार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुशनिंग वाली पूरी सीट है, यहाँ पे थाई सपोर्ट देखेंगे बहुत बढ़िया मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार मैं आपको गाड़ी के अंदर बैठ के प्रैक्टिकल स्पेस बता देता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है, बाहर से देखने में चीज़ें उस टाइप से समझ में नहीं आती। जैसे यहाँ पे आप पूरा लेग रूम देख लीजिए, नी रूम देख लीजिए, स्पेस की कोई कमी नहीं है, अच्छी काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है, अंदर अच्छा खासा एरिया मिल जाता है। पीछे वाली सीट में भी 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं, 4 लोग भी मैनेज हो जाते हैं, आप समझ लीजिए कि 2 लोग आगे, 4 लोग पीछे और 2-3 लोग सबसे पीछे वाली में, तो कम से कम 7-8 लोग तो आराम से मैनेज हो जाते हैं इस गाड़ी में। अगर आपको मैनेज करना है तो 1-8 लोग और भी मैनेज कर सकते हैं, इस टाइप की अच्छी काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है। सीट को अगर आप फोल्ड करना चाहते हैं तो इसको आप रिक्लाइन कर दीजिए आगे की तरफ, फ्लाइड हो जाती है आराम से, फिर यहाँ से आप पीछे आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। पीछे वाली सीट के लिए मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये सीट पूरी तरह से बच्चों के लिए बनाई गई है, यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं मिलते, बॉटल रख सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है कि सभी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सीट की कुशनिंग वगैरह बहुत बढ़िया है, ऊपर कैबिन लाइट दी गई है, सभी जगह आपको हैंडल मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बच्चे बैठते हैं तो उनको थोड़ा सा कंफर्ट फील होता है, जैसे अगर जिनकी एज ज़्यादा है तो थोड़ा सा कंफर्ट कम फील होता है, क्योंकि यहाँ पे लेग रूम वगैरह उस टाइप से नहीं मिलता है जितना आपको बीच वाली सीट में मिलता है, और नी रूम भी देखेंगे तो उतना नहीं मिलता है। एक चीज़ है कि आप पीछे वाली सीट को भी थोड़ा सा रिक्लाइन करके एक्स्ट्रा कंफर्ट ले सकते हैं, लेकिन उतना कंफर्ट आपको मिलेगा नहीं पीछे वाली सीट में। अगर आप पीछे से बैठ के देखेंगे तो अच्छी खासी लंबी गाड़ी लगती है। यहाँ पे फोल्डेबल वाले ग्रैब हैंडल हैं, ये फिक्स वाले मिल जाते हैं, बड़े साइज का ग्लास एरिया दिया है, बॉटल रख सकते हैं,
बस पीछे एक कूलिंग नहीं मिलती है। जैसे सीट को अगर आप चाहते हैं तो पीछे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए रिक्लाइन कर सकते हैं, और पीछे वाली सीट में भी पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट दिए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप समझ लीजिए कि अगर आप गाड़ी का पूरा अंदर का कंफर्ट देखते हैं तो अच्छे लेवल का मिल जाता है। सभी एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हैं, सीट को आप रिक्लाइन कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए अच्छे लेवल की मिल जाती हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन और माइलेज की और उसके बाद प्राइस की। इस गाड़ी में आपको K15 C-Series का स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिल जाता है। BF6 फेज 2 वाला फुली रिफाइंड इंजन है ये, 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल में 22 किलोमीटर पर लीटर का और CNG में लगभग 27 किलोमीटर पर KG का माइलेज क्लेम किया जाता है। इसकी एक शोरूम प्राइस है 8,69,000 रुपये और ये गाड़ी आपको लगभग ऑन रोड 9.5 लाख रुपये के आसपास मिल जाएगी। और अगर आप इस गाड़ी को किस्त में ख़रीदना चाहते हैं तो लगभग 1 लाख रुपये का डाउन पेमेंट करके ख़रीद सकते हैं और 3 साल, 5 साल या 7 साल की अपनी ज़रूरत के हिसाब से किस्त बनवा सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।